बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ जो ईद पे बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली में एक कप ऑयल डाल दें। ये 3 पैकेट सेवैयाँ हैं तो ये 1 कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। तो ये 3-4 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ, इसको इसमें शामिल करके थोड़ी देर के लिए फ्राई करें इसको। तो अब इसमें ये सेवैयाँ डाल दें और सेवैयों को फ्राई करें। थोड़ी देर तक फ्राई करें इनको ऑयल में। तो अब इसमें पानी शामिल कर दीजिए, 3 गिलास पानी है ये इसमें शामिल कर दें। ये 1 कप, 1 प्याली चीनी है ये भी इसमें शामिल कर दें। और ये कटा हुआ खोपरा है ये भी इसमें शामिल कर दें। और इनको अच्छी तरह मिक्स करके, चीनी और खोपरे को अच्छी तरह मिक्स करें। और ये हल्की आंच रखें इसकी और थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दें। और ये देखिए अब इसका पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। जब इसका ऑयल नज़र आने लगे तो फिर इसमें थोड़ी देर के लिए इसको फिर ढक्कन लगा, चूल्हा बंद करके ढक्कन लगा दें। अब चूल्हा पे और थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन दे दें। तब ये देखें बन के तैयार हो गई है। तो अब इसको प्लेट में निकालते हैं। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब ये देखें बन के तैयार हो गई है। तस्वीर